हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अकाली दल ने बड़ा बयान दिया है। अकाली दल के नेता पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है, अमन शांति के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमारे देश के विधान में तीन चीज़ें लिखी है जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी। यहाँ ना तो सेकुलरिज्म है ना ही सोशलिज्म। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। डेमोक्रेसी भी सिर्फ दो स्तर पर ही रह गई है, एक लोकसभा इलेक्शन और दूसरा स्टेट इलेक्शन, बाकी कुछ नहीं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने पत्र में दिल्ली पुलिस की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा। नरेश गुजराल ने कहा था कि हर बार अल्पसंख्यकों को ही हिंसा में निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। SPN 9 से पुष्पा की रिपोर्ट।